बुधवार को एक निजी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने निगम भिलाई के शहरी गौठान का भ्रमण किया, जहां विद्यार्थी ने महिलाओं द्वारा गोधन से बनी वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया को देखा और सीखा। नगर पालिक निगम भिलाई का शहरी गौठान अब एक आदर्श गौठान बनता जा रहा है। अब यहां स्कूल और महाविद्यालय के विद्यार्थी गोधन से बने उत्पादों को देखने और उत्पाद बनाने की कला सीखने भी आ रहे हैं। साथ ही यह भी जानकारी लेना चाहते हैं कि किस तरह से महिलाएं एकजुट होकर विभिन्न प्रकार के कार्य एक स्थान पर कर सकती हैं और अपनी आय को बढ़ा रही हैं, जिससे वे अपने परिवार को संबल भी प्रदान कर रही हैं। इसी कड़ी में एक निजी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बुधवार को शहरी गौठान का भ्रमण किया और जाना कि एकजुट होकर किस तरह अपनी आय को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से स्वरोजगार अपनाकर होने वाली आय को दोगुना तीन गुना किया जा सकता है। महाविद्यालय की प्रोफेसर ने गौठान भ्रमण के उद्देश्य को न्यूज टीम से साझा किया, तो वहीं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने गौठान में होने वाले कार्यों के बारे में न्यूज टीम को बताया। देखिए, हमारे बीएड पाठ्यक्रम में सामुदायिक कार्य एक प्रैक्टिकल रहता है। सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं, बच्चों को एक ओरिजिनल हम नॉलेज देना चाह रहे थे कि सामुदायिक कार्य का मतलब ये नहीं है कि आप गए किसी गाँव में भ्रमण कर लिया और वहाँ पर क्या हो रहा उसको देख लिए। मैंने यहाँ पे बच्चों को ये लेकर के आए हैं कि यहाँ पे देखिए, जो हमारी सरकार की जो योजना चल रही है, नरवा, गुरवा, भुरवा और बाड़ी, इस योजना के अंतर्गत जो गोठान में जो खाद बन रहे हैं उसकी मैंने चाहा कि इनको प्रशिक्षण मिल जाए। प्लस मैंने ये चाहा कि कैसे यहाँ पे जो कम पढ़ी लिखी महिलाएँ कैसे आत्मनिर्भर हैं, वो किस तरह से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं, उनको भी मैंने ये दिखाना चाहा कि आप देखिए कि हमारे समाज में एजुकेशन ले करके हमारे समाज को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं उद्देश्य के साथ हम आए हैं कि इन महिलाओं के बीच में ये आएँ और देखें कि ये किस तरह से अपना व्यवसाय आगे कर रही हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं, उनको वो जाने, उससे हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और फिर निगम को पेश करेंगे। शहरी गोठान में एक तो है जो हमारे महिला स्व सहायता समूह है, हमारे राज्य सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना, उसके अंतर्गत अपने जो समूह हैं उनको स्वरोजगार के लिए, उनको रोजगार आय बढ़ाने के लिए भी इनके मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ चालू है। हमारे देख रहे हैं अगरबत्ती है, दोना पत्तल है और सेंटरी पैड है, इसके अलावा वहाँ पे मछली पालन है और पेपर ब्लॉक है और बटेर पालन है इसका भी, और सब्जी भाजी का भी चल रहा है, ये सब का काम चल ही रहा है। मेन मकसद है अपने समूह के जो महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनका आय का स्वावलंबन के लिए, आय को बढ़ाने के लिए इस तरह के एक्टिविटीज़ प्रयास किया जा रहा है निगम के द्वारा। हमारे महापौर और कमिश्नर साहब के जो मार्गदर्शन से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारे जो वर्मी कंपोस्ट भी बन रहा है, जो गोबर खरीदी की जा रही है, आसपास जो हमारे 80-85 पशुधन धारक है, उन्होंने विशेषकर हमारे कोशा नगर के आसपास के हैं, उनके जो खटाल है, हम यहाँ डेली हमारे 2,500-3,000 किलो गोबर का यहाँ पे क्रय किया जाता है और इसमें 100 करीबन बर्मी पेड़ बना हुआ है, बर्मी के लिए टंकी बना हुआ है, उसमें अपने बर्मी उत्पादन करते हैं और उस बर्मी से बर्मी कंपोस्ट का भी विक्रय करके उसमें 10 रुपये करके जो बर्मी कंपोस्ट विक्रय होता है, विभिन्न जो नर्सरी है, सरकारी नर्सरी है, प्राइवेट है, लोग यहाँ से ले जाते हैं, इन्हें अच्छे क्वालिटी की बर्मी कंपोस्ट बनते हैं। जैसे गोठान में तो हमारे बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं और मतलब अभी हमारे अंडर बटेर पालन होगा, मछली पालन चल रहा है, उसके अलावा पेवर ब्लॉक वगैरह। और जैसे अगर कोई हमारी महिला समूह है जो और कुछ अगर करना चाहती है सामने से, अगर कोई भी किसी टाइप का भी अगर उनको कुछ चीज़ करना है रोज़गार को लेके, अपने आजीविका को लेके, वो बिल्कुल हमारे पास आएँ, हमें अपना आइडिया बताएं, हम यहाँ पे उनको जगह देंगे, उनको पूरा सपोर्ट देंगे, जो भी उनको नीड रहेगा वो सारा चीज़ हमारे निगम के तरफ से दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था है कि जो भी ट्रेनर हमारे लेवल में हमको दिखते हैं, मिलते हैं, हम उनसे उनको ट्रेनिंग करवाने का बिल्कुल भरपूर कोशिश करते हैं कि उनसे मिले ट्रेनिंग, ठीक है। उनको जैसे हमारा ये पेवर ब्लॉक है, ये पावर हाउस में होता है, जो मोस्टली भिलाई के जाओ जो भी पेवर ब्लॉक है वो वहीं से आते हैं, तो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिलाया गया। अभी जैसे मशीन सेटअप होने के बाद भी हम उनको फिर से दूसरा ट्रेनिंग दिया जाएगा और अगर उनको कोई भी दिक्कत होगा तो फिर हम उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उनको मतलब पूरा सपोर्ट किया जाएगा।
महिला समूह को कोई इशू नहीं होगा उनको कोई भी चीज़। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी हमारे जो राज्य सरकार है उनके द्वारा गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है, और अभी जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ें चाहे कॉलेज में पढ़ें या फिर दूसरे लेवल पे भी जाएं, उनको पता होना चाहिए कि राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में हम लोग छत्तीसगढ़ या भारत में देख लें हम लोग गौ को माता मानते हैं, और उनका गोबर वगैरह अभी तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा रहा था, फेंकने के काम आ रहा था, गंदगी में जा रहा था, लेकिन जब से ये योजना आई है उस गोबर के द्वारा उसको हम लोग कलेक्शन करवाते हैं, यहाँ पे उसका खाद बनता है, कंडा बनता है, और उससे कमाई भी हो रही है महिलाओं की यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ों को जानने का हक सारे लोगों को है। और सबसे अच्छी बात कि न्यू से जहाँ पे स्टार्टिंग होती है, मतलब बच्चों से, तो अगर वो कॉलेज के बच्चे या हो स्कूल के बच्चे, उनको पता हो कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उससे क्या बेनिफिट होता है, तो ये बहुत अच्छी बात। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी और स्वावलंबन की योजनाएं सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है, जिसमें विशेष तौर पर प्रदेश की महिलाएं काफी सशक्त बनती जा रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।